जो बाल में भस्म का त्रिपुंड करेंगे उनका मन उनका चित भगवान श्री चरणों में स्थिर रहता है। इसलिए भगवान महादेव के भक्तों की परंपरा भस्म का त्रिपुंड है। नित्य भाल में भस्म की बिंदी भी कर सकते हैं और सुबह में भाल में भस्म का त्रिपुंड करें, मध्याह्न भाल में भस्म का त्रिपुंड करें, शाम के समय भाल में भस्म का त्रिपुंड करें और शिव जी की पूजा में सभी पूजा की सामग्री, लेकिन ये सामग्री में भस्म रहती। अन्य कोई भी देवी देवता है उसकी पूजा की सामग्री में कभी भस्म आपने नहीं देखी होगी, लेकिन शिव पूजा में विशेष पूजा की एक सामग्री में भस्म रहते। अन्य कोई देवी देवताओं की पूजा करने के लिए आप बैठते हैं तब इनमें भस्म की प्रधानता नहीं रहती ना। भगवान शिव जी की आप पूजा करते हैं तो इसमें भस्म की प्रधानता रहती है, ये पूजा सामग्री में भस्म रहते हैं। और सभी पूजा की सामग्री आपके पास है लेकिन इस पूजा की सामग्री में भस्म नहीं है, तो ऐसा लगता है कि पूजा की सामग्री में कुछ खुट रहा है, टूट रहा है, कभी कोई कमी हो रही है, लेकिन कुछ भी आपके पास पूजा की सामग्री नहीं है। भगवान महादेव का भस्म का त्रिपुंड कर दो, भगवान शिव जी को भस्म से आप पूजा कर सकते हो। सभी पूजा का फल भस्म स्नान से मिलता है। महाकालेश्वर महादेव को भस्म स्नान होता है, ऐसे भगवान शंकर जी को भस्म से पूजा कर सकते हैं। जिन पूजा का नाम है वैराग्य पूजा, भगवान शंकर जी को भस्म अभिषेक कर सकते हैं। इस पूजा की बहुत महिमा भी है, कभी कभी अवसर मिले तो शंकर जी को भस्म की, भगवान महादेव को भस्म की अभिषेक करें, भस्म की आरती करें, भस्म से पूजा करें आप। इसमें बहुत सारे भस्मों का वर्णन भी है, अलग 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 भस्म, लेकिन सभी भस्म शिव जी को चढ़ा सकते हैं आप। बहुत सारा वर्णन देवांग देवाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म और शिवाग्नि जनित भस्म, ऐसी अलग अलग बहुत सारी भस्म हैं, भगवान शंकर जी को आप अर्पण कर सकते हैं।